नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सकपाल आप सभी का अपने चैनल जर्नी सर्विसेज में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कोई नया प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसका वैल्यू 50 लाख से ऊपर रहता है, तो उसमें बायर जो है सेलर का टीडीएस डिडक्ट करके उसको पेमेंट करता है, और वो जो टीडीएस जो है वो 26 QB में पे करता है। तो ये 26 QB कैसे पे करना है और उसका टीडीएस पेमेंट कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो हमारा कम से कम समय जाए इसके लिए मैंने क्या किया है, सारा डिटेल्स ऑलरेडी फीड करके रखा है ताकि इस वीडियो में मैं आपका कम टाइम दे सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका टाइम बचा सकूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको इनकम टैक्स के लॉगिन पे आ जाना है, लॉगिन पेज पर, और यहाँ पे आपका लॉगिन कर लेना है, जो बायर है उसका लॉगिन करना है। जैसे अभी के केस में, हमारे केस में कैसा है, दो बायर है और दो सेलर, तो हम टोटल 4 26 QB भरने वाले हैं। तो मैं सिर्फ आपको 1 26 QB भर के दिखाऊंगा यहाँ पे, ताकि आप आपका जो भी जैसे कि आप वन बायर वन सेलर रहेगा तो आपको सिर्फ एक ही भरना है, अगर आप वन बायर टू सेलर रहेंगे तो आपको फिर दो भरना रहेगा। तो जैसे आपका ट्रांजेक्शन रहेगा वैसे आपको करना होगा। तो चलिए देखते हैं 26 QB का पेमेंट कैसे करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों को बायर का जो है पैन नंबर लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है, यहाँ पे टिक कर देना है, और आपका पासवर्ड यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद वापस कंटिन्यू करना है। और फिर आपको क्या करना है, पेमेंट करने के लिए ई फाइल वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे जाना है, ई पे टैक्सेस में जाना है। यहाँ पे क्या मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको न्यू पेमेंट में जाना है, और यहाँ पे 26 QB TDS ऑन प्रॉपर्टी ये सिलेक्ट करना है और डाटा सारा फीड करना है। तो जैसे मैंने अभी ऑलरेडी फाइल किया हुआ सारा डिटेल्स भर दिया है, तो मैं यहाँ पे मेरा एक जो है वो ओपन कर लेता हूँ, एडिट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको रेसिडेंट स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, वेदर मोर देन वन बाय, तो मेरे यहाँ पे यस है तो कंटिन्यू करूंगा। ये सारा मैंने ऑलरेडी भर के रखा है, ये सारा डेटा कैप्चर हो जाता है, आपका जो भी लॉगिन में जो डिटेल्स रहेगा वहां से ये कैप्चर हो जाएगा सारा डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं सेलर का डिटेल्स भर दूंगा, तो ये मैंने सेलर्स का डिटेल भर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे सेलर भी एक से ज्यादा है तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया, और वापस मैं कंटिन्यू कर दूंगा। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैं बाय कर रहा हूँ उसका डिटेल्स यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। उसके बाद डेट ऑफ एग्रीमेंट, वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ डिडक्शन, पेमेंट टाइप, अभी मेरा ये लमसम है तो मैं यहाँ पे लमसम, अगर आपका इंस्टॉलमेंट रहेगा तो आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हो, वेदर इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे आपका जो भी रहेगा वो आपको अपडेट करना है। वेदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन द सेल कंसिडरेशन, नो। द टोटल अमाउंट पेड क्रेडिटेड इन द प्रीवियस इंस्टॉलमेंट, इफ एनी, अगर रहेगा तो आपको अपडेट करना है। फिलहाल मेरे केस में मैंने लमसम लिया तो ये ब्रैकेट जो है ऑलरेडी ब्लॉक है। अमाउंट पेड क्रेडिटेड 42 लैक्स, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 42 लैक्स, तो मेरी जो वैल्यू है वो 1 करोड़ 68 लैक्स है। तो यहाँ पे दो बायर दो सेलर है तो उसको मैंने डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, और ये मैं एक सेलर का डिपॉजिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा 42 आ गया। तो ये सारा डिटेल्स भरने के बाद हमें नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, और टीडीएस अमाउंट जो है 42,000 जो कि वैल्यू के 1% रहेगा, और यहाँ पे अगर इंटरेस्ट कुछ रहेगा तो वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है, डिले कर देते हैं आप तो, और उसके बाद इसे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है, तो यहाँ पे आपको बैंक सिलेक्ट कर लेना है और आगे प्रोसेस करना है। तो मैं फिलहाल डेबिट बैंक से पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैं चला जाऊंगा डेबिट बैंक पे, और फिर मेरी बैंक सिलेक्ट कर लूंगा और फिर कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद मुझे सारा डिटेल्स जो है एक बार चेक कर लेना है, सेलर का नाम और सेलर का डिटेल्स,
और फिर मैं यहाँ पे पेन आउट कर दूंगा। और फिर सबमिट टू द बैंक कर दूंगा। फिर यहाँ पे मुझे अपना बैंक डिटेल्स डालना है, अकाउंट नंबर, और फिर यहाँ पे आपको कैप्चा लिखना है, और इसे फिर प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। इसे कंफर्म करना है। यहाँ पे आपका कार्ड नंबर देख चेक कर लीजिए और इसे कंफर्म कर दीजिए। ये आपका पेमेंट हो गया। इसे कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पे आपका ये रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर लीजिए। इस तरह से आपने एक पार्टी का पेमेंट कर दिया। इसी तरह मुझे दूसरे पार्टी का पेमेंट करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।